नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और अभी मैं जगन्नाथ मंदिर के पास मौजूद हूँ। ये मौसी बाड़ी है, माफ कीजिएगा, ये मौसी बाड़ी के पास मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप हमारे विजुअल के माध्यम से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये रथ यहाँ से अभी जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुका है। पूजा चल रहा है, उसके बाद वैसे ही पूजा के बाद ये रथ यहाँ से निकलेगा। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग भी मौजूद है इसको देखने के लिए, इस पूजा को देखने के लिए। और आज ये जगन्नाथ पूजा का आखिरी दिन है जहाँ पर ये रथ जा रहा है जगन्नाथ मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पंडित हैं जो पूजा करवा रहे हैं इस रथ में बैठ करके, और वही अब ये रथ यहाँ से जाने को तैयार हो चुका है। जी हाँ, वही रथ जो आप देख रहे हैं राजधानी रांची में पिछले 2 सालों से कुछ नहीं हुआ था, वही 2 सालों के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो रथ है तैयार हो चुका है, काफी सुंदर दिख रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, अगर हमें देखे तो हम उनसे बात भी करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ जुट चुका है विदाई करने के लिए, जो रथ है इसको विदा करने के लिए लोगों का भीड़ जो है जुट चुका है। अब अगले साल फिर से ये रौनक आएगी, ये रौनक उठेगी और काफी संख्या में लोग मौजूद है। जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा लगा पिछले 2 सालों से जब नहीं हुआ था और इस साल में आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, इस 2 सालों के बाद कोरोना काल के ऐसे जगन्नाथ स्वामी जी का अनुभव और सभी को अच्छी तरह से आशीर्वाद दे। क्यों मनाया जाता है जगन्नाथ? जगन्नाथ स्वामी कृष्ण ने अपने मौसी के आए यहाँ पे आए और अपने बाइक पर से फिर घर जा रहे हैं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम एक बाजार की तरफ पहुंचे हैं और ये बाजार यही इस मेले में लगा है, जहां पर आप देख सकते हैं काफी कुछ तरीके का सामान है, काफी कुछ सामान है। वही कोरोना जब थी तो इतना सन्नाटा हो गया था और फिर 2 साल बाद ये लौट चुका है ये जगन्नाथ मेला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े से लेकर के क्या कुछ नहीं बिक रहा है। भैया कैसा रह रहे हैं 2 सालों के बाद आपका ये दुकान लगा? अच्छा ही रिस्पांस मिला 2 साल के बाद, जो जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद से जो अभी व्यापार हुआ है मिला जुला के सब कुछ सही रहा, अच्छा काम हुआ, परचेज भी अच्छा हुआ है, बढ़िया रहा। मैं पटना से हूँ। पटना से है तो अभी तक सेलिंग सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। 10 दिनों में कितना कमाते हैं? वो तो आंकड़ा निकालना पड़ेगा, अभी निकाले नहीं है, बट काम अच्छा रहा है। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं और कुछ और दुकान पे लेके चलते हैं और आम जनता से भी जरूर बात करते हैं कि वो पिछले 2 सालों के बाद आई है, उनको कैसा लग रहा है इस मेले में आकर के? आप बताइए, आप 2 सालों के बाद आई है, क्या लगता है? ये मेला बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, 2 साल के बाद मतलब पब्लिक में उत्साह नजर आ रहा है। जगन्नाथपुरी बाबा से हम लोग बहुत दूर हो गए थे, बट अब लग रहा है कि पास आ गए हैं, ऐसा मेला बार बार लगे। आपने मेले में क्या खरीदारी की? मैंने मेले में एक छोटा सा दही फेंटने का ली हूँ, तकिया खोली, चादर ली हूँ, अभी मार्केटिंग देख रही हूँ, अभी ज़्यादा कुछ। तो आज मेले का लास्ट दिन है, काफ़ी कुछ खरीद करके घर जाना है? हाँ हाँ, काफ़ी कुछ खरीदने के लिए ही आई हूँ। जी 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 हाँ हाँ, उदासी का माहौल तो थोड़ा नज़र आ रहा है ना, पर पब्लिक में उत्साह है ना मैम? तो आप देख सकते हैं कि आम जनता में कितनी उत्साह है, ये आम जनता कितनी एंजॉय कर रही है, ये 2 साल जो मेला नहीं लगा था उसके बाद जो अब मेला लगा है उसको आम जनता काफ़ी एंजॉय कर रही है। आप देख सकते हैं आपको उत्साह देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में उदासी भी नज़र आ रही है क्योंकि आज मेला का आखिरी दिन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया 2 सालों के बाद दुकान लगा है? क्यों आपके मुँह पे क्यों उदासी है? बिक्री नहीं चल रहा है। बिक्री ही नहीं है क्यों? इतना सबके मुंह पे खुशी दिख रहा है, बिक्री हो रहा है, क्यों आपका क्यों नहीं बिक्री हुआ? दाम ज्यादा रख दिए थे क्या? सुनो ये चल रहा है, गैप हो जा रहा है सामान, इसीलिए मूड करा भैया। तो
तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं इनके मुंह पर उदासी नजर आ रही है, उदासी झलक रही है, क्यों? क्योंकि इसका दाम जो है, इसका दाम काफी ज्यादा नजर आ रहा है, तो पब्लिक इसे नहीं लेती है, आगे बढ़ जाती है, आगे वाले दुकानदार के पास चली जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने खाने पर भी लोगों में भीड़ उमड़ी हुई है, और वही अभी अपने खाने के स्टॉल के पास पहुंचे हैं। जहाँ पर ये भैया था, बिक्री कैसे है आइए जानते हैं। 2 सालों के बाद आप दुकान लगाए, क्या लगता है? 2 साल के बाद आप दुकान लगाए, कैसा बिक्री है? अच्छा बिक्री है, कस्टमर आ रहा है। अच्छा, इतना बारिश का मौसम है, उसके बाद भी कस्टमर बाहर का खाना खा रहा है? ठीक है, सब खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, बाहर का खाना खा रहे हैं, मेला में आके आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो खा लीजिएगा, भूख लगा तो खाएगा। मतलब आपको बाहर का खाना खा के मजा नहीं आ रहा है? है? आ रहा है। तो उसके बाद आप बाहर का खाना खा के आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। मेला घूमना ही आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद मेला लगा है? 2 साल बाद। 2 साल बाद। अच्छा, और आप क्या चाहती है फिर आगे, ऐसा मेला लगता रहे? तो आपके मेले का नजारा, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो विदाई हो रहा है, वहाँ से लेकर के आपने कुछ दुकानें और खाने पीने के ले तक, खाने पीने तक के सफर का आपने नजारा देखा, और अब आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ था इस जगह पे। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा लगा 2 सालों के बाद लगा, कितनी भीड़ थी, लोगों में उत्साह भी देखने को मिला, उदासी भी देखने को मिला, उदासी का नजारा भी नजर आया, लोगों के चेहरे पे उदासी भी झलक रही है, क्योंकि आज मेले का आखिरी दिन है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत रांची से, सहयोगी शिखा शाह के साथ में राशिका बजाज। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।